और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे उनका रामकथा पार्क में पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करने के बाद सीएम योगी प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर बड़ी तैयारियां चल रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 30 तारीख को कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का भी जायजा लेंगे। इस बीच आपको बता दें, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के भी वो दर्शन करेंगे। क्या कुछ तैयारियां रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर हो रही हैं, इन तमाम कार्यक्रमों का वो जायजा भी लेंगे। तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं। वक्त वक्त पर मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच रहे हैं। कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, कितनी तैयारियां बाकी हैं, इसको लेकर वक्त वक्त पर वो संज्ञान भी ले रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि कई बैठकें भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर 30 तारीख को आने वाले हैं। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हो रही है, ज्यादा जानकारी के लिए रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अयोध्या पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम सबसे पहले उनका रहने वाला है? मोनिका, सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क आएंगे और उसके बाद हनुमानगढ़ी जाएंगे दर्शन और पूजन करने के लिए, और उसके बाद उनका जो निरीक्षण है, राम मंदिर का जो निर्माण चल रहा है, कार्य चल रहे हैं, उसका निरीक्षण भी करने जाएंगे कि किस लेवल पे अभी काम चल रहा है, क्योंकि वो एक राज्य के एक सूबे के मुखिया हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारी बनती है कि प्रधानमंत्री के आने से पहले जो 30 तारीख का प्रधानमंत्री का बड़ा प्रोग्राम है यहाँ पर अयोध्या में, उससे पहले वो सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि तैयारियां किस लेवल पे हैं। तीन चैलेंज हैं इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के सामने और योगी सरकार के सामने। पहला चैलेंज यह है कि राम मंदिर का निर्माण वो किस तरीके से और किस लेवल पे चल रहा है और उसका अभी क्या स्थिति है। दूसरा जो चैलेंज है कि अयोध्या में अलग अलग जो प्रोजेक्ट के काम चल रहे हैं वो उसकी स्थिति क्या है। तीसरा जो चैलेंज है कि प्रधानमंत्री का जो रोड शो होगा, उनका जो कार्यक्रम होगा, अयोध्या आगमन होगा, तो उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था को कैसे सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि हाल के दिनों में आपने पार्लियामेंट में भी देखा था पार्लियामेंट की जो घटना है, और अभी ज़्यादा दिन नहीं बीता है तो अयोध्या में जब रोड शो होगा, इनकी पब्लिक रैली होगी जी, एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं एयरपोर्ट के पास में, तो 2-3 लेवल पे योगी आदित्यनाथ इन चीज़ों को देख लेना चाहते हैं। सिक्योरिटी की क्या स्थिति है, ये तमाम चीज़ें मुख्यमंत्री अवलोकन करेंगे। और अभी अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचने वाले हैं। शुक्रिया रवि फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, तमाम तैयारियां ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से हो रही है, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वक्त वक्त पर अयोध्या आ रहे हैं। आज अयोध्या में सीएम योगी कहां कहां पर जाएंगे, उनका मिनट टू मिनट का पूरा कार्यक्रम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क पहुंचेंगे, ये सबसे पहला कार्यक्रम है उनका। 11:30 बजे रामकथा पार्क पहुंचेंगे, उसके बाद हनुमानगढ़ी मंदिर वो जाएंगे। जैसे वो जब भी अयोध्या आते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर जरूर जाते हैं। सुबह 11:50 पर भगवान रामलला के वो दर्शन भी करेंगे, तो हनुमानगढ़ी के बाद रामलला के दर्शन करेंगे। दोपहर 12:00 बजे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का वो दौरा भी करेंगे, जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है। ग्राफिकली हम आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। 1:00 बजे अयोध्या के सर्किट हाउस में पहुंचेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि दोपहर 3:00 बजे तक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की समीक्षा बैठक वो यहाँ पर करने वाले हैं। उसके बाद बैठक के बाद पुलिस लाइन से लखनऊ वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो देखिए किस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम रहने वाला है। मिनट टू मिनट हमने आपको कार्यक्रम बताया है। ग्राफिकली आज बेहद अहम दौरा उनका रहने वाला है।
तो आपको बता दें कि इससे पहले प्रयागराज में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो माघ मेले के आयोजन का निरीक्षण करने के लिए यहां पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने माघ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक अयोध्या में 500 सालों के बाद होने जा रहे ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की वजह से माघ मेले में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। मैंने अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में यहाँ की पूरी व्यवस्था का निरीक्षण किया है। इस बार माघ मेला कुछ विशिष्ट होगा, खास तौर पर 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को भव्य आयोजन के साथ होने के कारण यहां का प्रयागराज में भी काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले खुफिया एजेंसियों ने अयोध्या में अलर्ट भी जारी किया है, जिसके बाद 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर निगरानी बढ़ा दी गई है। 30 दिसंबर को सुरक्षा के लिहाज से एनएसजी कमांडो, एटीएस अधिकारी और यूपीएसटीएफ के जवान यहां पर तैनात रहने वाले। खुफिया एजेंसियों ने अयोध्या में गड़बड़ी फैलाए जाने की आशंका भी जताई है, और यही वजह है कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या पहुंच के रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे तो वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम कार्यक्रम के दौरान पूरे 3 घंटे तक अयोध्या छावनी में तब्दील कर दी जाएगी। और अयोध्या से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, जिसके बाद अयोध्या जंक्शन अब अयोध्या धाम जंक्शन हो गया है। इसको लेकर रेलवे की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मंशा जाहिर की थी। अब प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस तरीके की मंशा जताई गई थी, जिसके बाद अब रेलवे ने भी नाम बदलने के आदेश जारी कर दिए। है तो अयोध्या धाम ही, जो अयोध्या धाम होना चाहिए था वो अयोध्या धाम नहीं था, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर माननीय रेल मंत्री जी ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। मैं इसका स्वागत करता हूं, और इससे अयोध्यावासी ही नहीं, देश भर में जो भी अयोध्या धाम आते हैं, भगवान रामलला का दर्शन करने आते हैं, सरयू मैया में स्नान करने आते हैं, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने आते हैं, वह सब इस फैसले से बहुत प्रसन्न हैं